आधुनिक इतिहास में 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध दक्षिण एशिया के भू रणनीतिक नजरिए से भी बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। इस युद्ध ने भारतीय सेनाओं के तीनों अंगों के लिए गौरवशाली इतिहास रच दिया। इस युद्ध में गंगा सागर की लड़ाई में शहीद हुए लांस नायक अल्बर्ट इक्का को उनकी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। आज यानी 27 दिसंबर को उनके जन्मदिन पर आइए जानते हैं मशीन गन की गोलियों और माइंस के बीच में से दौड़ते इक्का की बहादुरी की कहानी, जो किसी फिल्मी किस्से से कम नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन के हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। अल्बर्ट इक्का का जन्म झारखंड के गुमला के जरी गांव में 27 दिसंबर 1942 को हुआ था। उनके पिता का नाम जूलियस इक्का और माँ का नाम मरियम इक्का था, जो आदिवासी जनजाति से थे। शिकार करना इस जनजाति का सामान्य खेल था, जिसमें इक्का की बचपन से ही बहुत रुचि और दक्षता थी। उनका यही अनुभव उन्हें एक बहुत ही कामयाब और सक्षम सैनिक बनाने में मददगार साबित हुआ। अल्बर्ट इक्का 1962 में बिहार रेजिमेंट में शामिल हो गए। जब जनवरी 1968 में ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की 14वीं बटालियन का गठन हुआ तो इक्का का उस यूनिट में तबादला हो गया। उन्होंने उत्तर पूर्वी में आतंक विरोधी गतिविधियों के खिलाफ ऑपरेशन में अपनी बहादुरी के कारनामे दिखाए, जिसकी वजह से 1971 को युद्ध की तैयारी के दौरान उन्हें लांस नायक बना दिया गया था। 1971 के युद्ध में लांस नायक अल्बर्ट इक्का बटालियन ऑफ ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स की लेफ्ट फॉरवर्ड्स कंपनी में नियुक्त किए गए, जो उस समय पूर्वी मोर्चे पर गंगा सागर में पाकिस्तानी सेना के हमले के खिलाफ तैनात किए गए थे। यह इलाका बांग्लादेश में चटगांव के पास पाकिस्तान नियंत्रण वाले ब्राह्मण बारिया, भैरव और कमालपुर के बीच अखोरा रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। 2 और 3 दिसंबर 1971 को रात के समय 14 गार्ड की अल्फा और ब्रावो कंपनियों ने मार्च करना शुरू किया, जहां वे आमने सामने की लड़ाई में उलझ गए थे। इक्का ने देखा कि विदेशी लाइट मशीन गन उनके साथियों को बहुत नुकसान पहुंचा रही थी। उन्होंने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए दुश्मन सेना के बंकर की ओर बढ़ना शुरू किया, जहाँ से मशीन गन ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रही थी। इस कोशिश में इक्का घायल भी हो गए, लेकिन 2 सैनिकों को बचाने में भी सफल हुए और मशीन गन को नाकाम किया। वे बंकर को हैंड ग्रेनेड से उड़ाने के बाद वहीं नहीं रुके और एक और मीडियम मशीन गन को खामोश करने का काम किया। इक्का की बहादुरी कोई आम नहीं थी, बल्कि उन्होंने बहुत होशियारी से अपने लक्ष्य को अंजाम दिया और इसी जंग में वह शहीद हो गए। अल्बर्ट इक्का ने जिस शौर्य, इच्छा शक्ति और बलिदान का परिचय दिया, वह कम ही देखने को मिलता है, जिससे वे सैन्य परंपरा में बहुत ही विशेष दर्जे के तौर पर याद किए जाते हैं। उनकी याद में रांची में उनकी एक मूर्ति लगवाई गई है और एक अल्बर्ट इक्का मेमोरियल बनाया गया है, जिसे अल्बर्ट इक्का चौक के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई में इक्का सहित 11 भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था और एक अफसर, 3 जूनियर कमीशन्ड अफसर के साथ 55 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के 25 सैनिक मारे गए और 6 सैनिक बंदी बना लिए गए थे। इक्का की असाधारण वीरता की वजह से ही उन्हें परमवीर चक्र दिया गया, जो पहली बार किसी झारखंड और पूर्वी सेक्टर में किसी को दिया गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।